हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कृतिका एंड आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दैट ट्रेंडी गर्ल। आज की वीडियो है कैरीमिनाटी की वीडियो पर जिसका नाम है आइडियल्स क्या ही एजलिस ऑफ इंडिया गॉन राइट। एजलिस क्या होती है यार, ये आइडल्स ऑफ इंडिया गॉन राइट होना चाहिए ना। सो मुझे नहीं पता ये क्या है। सो बट ठीक है, एजलिस ही लग रहा है मुझे तो। जो पढ़ने में आ रहा है उतना ही समझाएगा ना मैं। ये है एजलिस ऑफ इंडिया गॉन राइट एंड कैरीमिनाटी की वीडियो आ चुकी है। दिन में आई होगी, मैं रात को बना रही हूँ ना। या एंड मतलब कि बहुत ही खतरनाक लग रही है। इंडियन आइडल की ऐसी की तैसी होने वाली है इस वीडियो में। हम देखेंगे एंड वीडियो है 8:54 का, मतलब छोटी है, ज़्यादा लंबी नहीं है। एंड अब इंडियन आइडल की थोड़ा सा माइंड में आने लगा होगा आपके कि भाई इंडियन आइडल में क्या होता है एंड उसके साथ कैरीमिनाटी क्या करेगा। एंड इस चीज़ को सोच सोच के ना काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, मज़ा आती है। कैसा रोस्ट होएगा ना, एकदम देख के अंदर के दिल खुश हो जाए हमारा। एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और उसके साथ ही बाकी फेसबुक वगैरह सबका लिंक नीचे है, वो चेक कर सकते हैं आप जिस पे फॉलो करना होगा। और उसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये एंड इसके साथ में आएगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा एंड ऑल पे टिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से आए और आप फटाफट मेरी वीडियो देख लें, ज़्यादा टाइम ना लगाएं। उसके साथ ही अब हम शुरू करते हैं। चलिए, मैं अपने ईयरफोन्स के साथ तैयार हूँ देखने के लिए कि इस बारी क्या कैरीमिनाटी ने धमाल मचाया है। अब हम प्ले कर देते हैं। घिरे नागपुर शहर में मैं आया हूँ ताकि हम यहाँ से कुछ सुरीले सिंगर्स हुसैन संतरे मुंबई ले तो कैसे हैं आप लोग? अगर तुम एक सिंगर हो और इंडियन आइडल में नहीं गए तो लंड बराबर स्ट्रगल किए तुमने, पूरी शाम पूरी रात बिन छत छाया लौड़ा लस्सन के इंतजार करना ताकि अन्नु मलिक तुम्हारी गांड मार सके, इसे कहते डेडिकेशन। बचपन में मैंने भी सोचा था इंडियन आइडल पे जाने का, पर किस्मत देखो आज मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिसे लोग असली मानते ही नहीं। मानते हो? नहीं मानते? खैर आज हम पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। शुरू करते हैं। आइडल ये स्ट्रगल नहीं, चिलिंग चल रही है। अभी इसके दोस्त आ जाएंगे, ठर्रा खुल जाएगा, पत्ते बिच जाएंगे और जब रिजेक्ट होगा तो यही लेट के बोलेगा भाई आ जाओ। ना गिलाफ ना लिहाफ ठंडी हप अभी खिलाफ ससुरी कोलंबियन डांस बहन चो ससुरी। इसकी कोलाबा में इलीगल डांस फैक्ट्री है जहाँ पर ये चिट्टा बेचने के साथ कोलंबियन जुम्पा रुप्पा सिखाता है। या पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले। बहुत पुराना निकाले। चूल्हा फेंक के मारेगा, औंधे मुंह जाके गिरेगा, ये क्या तरीका है मारने का? आग ले ले। और इसका फैशन देख रहे हो, स्टाइल्ड बाय मोनू डार्लिंग जी। स्टाइलर खानदान है हमारा, मैं स्टाइलर, मेरे दोनों बाप स्टाइलर और बच्चे जी ब्लॉगर है। आइए दिखाता हूँ आपको, ये रणवीर वाला है जी मालिक। हाथ जितना ठोको उतना कम। चूतिया कुछ भी पहन लेता है। जी हो गया ये पंख तैयार। अलबेलो का मस्तानों का मेरे देश का यारो, मेरा देश का यारो क्या कहना। ये ऑडिशन हो रहा है, ऑफिस पार्टी चल रही है, बॉस बैठ के ताली बजा रहा है और ये एम्प्लॉई ऑफ द मंथ क्या झटकी ले ठुमके मार रहा है। इसको ऑफिस में नाम टुम्बकटू है और ऐसे किसी के साथ भी चेस्ट टू चेस्ट करने में अजीब नहीं लगता। मुझे करना पड़े मैं तो कछुए की तरह सिकुड़ जाऊंगा। ऑडिशन गया चाइना, ये है दीवाने ए खास। कव्वाली चल रही है, ताली बज रही है और इसको देखो। भाई को चाहिए अटेंशन, भाई को करनी शादी, भाई को मिलती एक भी लड़की नहीं। इसके लिए तो खास बुरा लग रहा है मुझे, ये बौखला गया है। मैं फोन देखूं, मैं ताली बजाऊं या फिर अभी भी वक्त तक कॉलेज चला जाता हूँ। मैं चुदाए सपने भूल जाना जाना मुमकिन नहीं। हाय 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 हाय, क्या छेड़ा है, क्या हरकत पकड़ी है, पसीने आ रहे हैं, आंखें खुल नहीं रही है। अरे क्या गांव में शूटिंग चल रही है? तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। अब तो डर लगता है, साला फॉर्म भर दो तो घर ही ना जाओ ऑडिशन लेने। एंड द बेस्ट ऊ ऊ
ये मैं हूँ क्यों है तू? सारी जान तो मैं हूँ मैंने निकाल दी, अंत में ढीला पड़ गया बैंक। इसे देख के मुझे उनकी याद आ गई जो मास्क को नाक के नीचे पहनते हैं। खैर पूरा भी चढ़ा लो तब भी कोई फायदा नहीं है। नॉर्मल मास्क नॉर्मल फिल्टर के साथ आता है जो तुम्हें पुलिस से बचा सकता है, कोरोना से नहीं। उसके लिए तुम्हें चाहिए जो भाई ने पहन रखा है, ओरिजिनल N95 मास्क। ये है आर्टिक फॉक्स का N95 गोल्ड सीरीज मास्क। इसमें 5 लेयर्स का एडवांस फिल्टर सिस्टम है जिससे 99.4% पॉलिटेंट्स और वायरस फिल्टर हो जाते हैं। इसका इलास्टिक भी काफी सॉफ्ट है जिससे कानों में दर्द नहीं होता, खासकर मेरे जैसे जिनके 4 आंखें हैं। ये प्रीमियम है, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों अपने हिसाब से देख लेना। 30% डिस्काउंट का भी जुगाड़ करवा, कोड डाल देना कैरीमिनाटी 30। और सबसे जरूरी ये है मेरे नीने वाली बैटमैन बीटमैन एल्पली में क्या इसकी चुपान मीली मार रही है, सिर्फ नया जादू चाहिए। अब इंडियन आइडल के ऑडिशन सिर्फ इंडिया में नहीं होते हैं। अब हम आए हैं द ब्रिज लंदन। लंदन क्या नारा है तो पक्का कुछ बहुत ही यूनिक और हटके करेंगे। हमारा बात सुनिए तनिक। अरे भाई अनु मलिक, भाई अनु मलिक बेबे को जाके कह दो बिट्टू ने हक दिया है। अंग्रेजों के जमाने से पूछते लंदन में रह रही है, रिजल्ट देख लो। लिरिकली क्रिमिनिकल भोजपुरी सरदार, आ जाओ वापस आ जाओ, हो लिया लंदन। बड़े बड़ों जैसा काम करते हैं, आइए। ये मेरे घर है, आइए। ये मेरी मम्मी है, मेरे पिताजी हैं, और ये है मेरी तिजोरी। तब दिखा दो कहाँ क्या रखा है। इंडियन आइडल ने पता नहीं कितने चोरों की जिंदगी बनाई होगी, हमें तो सिर्फ एक ही पता है। और ये बस इसी पे नहीं रुकते, पूरा डे ना लाइफ चलता है। पुरानी फोटो, एक और पुरानी फोटो, किताब पढ़ने की एक्टिंग, फिर पापा के साथ जैमिंग। और ये तो चलो तब भी सिलेक्ट हुई थी। हम लोग वैसे भी सिलेक्ट होने के ख्याल से नहीं आए थे, कुछ दिल में जज्बा था आप लोगों से मिलने का, स्पेशली उदित जी से मिलने का और यहाँ तक आने का। क्या बात, चलो अब अपना घर दिखाओ। कहानी घर इंडियन को अनजान घर में घुसना बहुत पसंद है, बल्कि जब तक डीओपी टेरेस पे जाकर सुट्टा ना मार ले तब तक रसम पूरी नहीं होती। इनके लिए सब स्पेशल है, किसी की नाक हल्की सी टेढ़ी है उसे भाई पकड़ लेंगे। चल चल घर चल, इतिहास बता अपना, कब से गलत सुन रहा तू। वाह सलीम भाई वाह, आपका बहुत अपना देखता था। चलो खुदा हाफिज़। चले ओके खुदा हाफिज़। बाय बाय बाय। ये देख लो हिमेश रेशमिया स्कैमर एडिशन, इस काम के लिए जितने पैसे दिए जा उतने ज्यादा है। और अभी तो रुको, अनु मलिक करने वाला है एक्टिंग। क्या? अच्छा अभी मत करना ऐसा, हमारी नाक चोरी करता है, मजाक नहीं चल रहा इंडियन आइडल। ओए 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 क्या चल रहा था इतनी बकचोदी की, वो जो चुरा के भागा और नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन फिर पता कैसे चलेगा कि शो में अनु मलिक है? लिटरली हर 2 सेकंड में ये ये काफी थोड़ी ना है। जब तक अनु मलिक ऑडियंस की गांड में नहीं घुस जाता तब तक सीजन कैसे खत्म हो सकता है। ये टीम तो तब भी ठीक है, तो कुछ ज्यादा कैजुअल हो गई क्या अनु? व्हाट यार, YouTube से बढ़िया स्किट्स तो इंडियन आइडल पे मिल जाती है। Mind your business. No one robs this. This is very important Indian Idol. Indian Idol करना का मजाक नहीं है। बिल्कुल मजाक नहीं है Indian Idol. सब serious काम होते हैं यहाँ पे। मेहंदी वाले घटते ना करे निंजा में उड़ के नशे नू मेहंदी अख। मजाक नहीं चल रहा Indian Idol. अनु मलिक bad luck पता है कैसे पकड़ता है? नहीं पता। मजाक नहीं चल रहा Indian Idol. ये बात बोतल पे लिख के फेंक दो नदी में। अनु मलिक वो टूटता तारा जिसे देख के कोई इच्छा नहीं मांगता। अनु मलिक वो सुर है जिसके अरिजीत लौड़े लगा चुका है। अनु मलिक वो एग्जाम है जिसका रिजल्ट अभिजीत सावंत है। अनु मलिक वो पार्टी है जिसका डीजे बॉबी है। अनु मलिक तानसेन होता तो अकबर उसे चिनवा देता, और अगर अनु मलिक मुंबई होता तो डूब जाता बहनचोद। तो यार बस आज का क्रियाक्रम यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें भी बॉम्बे जाना है तो लाइक मारो, और अगर तुम पहले से बॉम्बे में रह रहे हो तो
तुम्हें तो मारना ही पड़ेगा। एम करते हैं 5 मिलियन लाइक्स के लिए। और आर्कटिक फॉक्स की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर फटाफट जाओ और कोड डाल देना याद से, कैरीमिनाटी 30, डिस्काउंट जरूरी है यार। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय मोहित, प्ले दैट शिट। तुम हो गए आगे प्रिंसिपल पर मैं हूं पूरा स्कूल। ये जो सबक को सुनानी है, रूह भी जलानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, तो मैंने ही मिटानी है। You have every chance of coming in the top 5 of Indian Idol if you work hard. भैंस की आँख के लोड़े, बड़े लोड़े लग जाए, मेरा तो हो गया। तो पूल। अरे कैसा पूल है जिसमें डूबे नहीं रहे? सो गाइज, वीडियो कंप्लीट हो गई है। सो क्या बोलूँ यार, मतलब कि ऐसे ऐसी वर्डिंग हो जाते हैं ना कि हम कुछ डिस्क्राइब भी नहीं कर पाते, मतलब क्या बोलूँ उसके बारे में। सो लास्ट वाला जो था ना, जबरदस्त है ना, एकदम से अचानक से आ गया। मैं तो बंद करने वाली थी, मुझे लगा कि ख़त्म हो गया, चलो जो बंद करते हैं, बट एकदम से वो स्विमिंग पूल वाला आ गया यार। वो स्विमिंग पूल में गिरा, ऐसे सीधे खड़ा ही हो गया बीच में, कुछ भी यार, रद्दा यार। जो कैरीमिनाटी जो वर्डिंग्स था, लिपसिंग के साथ खेल रहे ना इस बारी, अमेजिंग काम कर रहे हैं। सो काफ़ी अमेजिंग वीडियो थी, और मुझे सुनने में आया था कि नेहा कक्कड़ की भी रोस्टिंग होगी, बट हुई नहीं। सो वो शायद नहीं करनी होगी उनको, बट अनु मलिक के तो हमेशा की तरह से उन्होंने निकाल दिए, एकदम अच्छी तरीके से रोस्ट कर दिया। और उन्होंने जो क्लिप्स हैं सारे पुराने पुराने लिए, एंड जो न्यू इंडियन आइडल से इन सब की नहीं ली, मैं कैसे 8-10 साल पुराने पुराने वीडियोज़ होंगी वो सारी, क्योंकि उस टाइम के फ़ोन थे ना, उसमें ऐसे वो खुलने वाले होते हैं, जो यूँ कैसे खुलते हैं, ऐसे खुलने वाले फ़ोन उस टाइम पे होते थे, 8-10 साल पहले होंगे, 8-10 साल पहले भी नहीं, शायद उससे भी पुराने ना हो। तो बहुत ही पुराने पुराने क्लिप्स ली थी उन्होंने उस टाइम पे, एंड काफ़ी अच्छी रोस्टिंग करी, एंड काफ़ी अच्छी क्लिप्स ढूंढने, मतलब क्लिप्स जो ढूंढे होंगे पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाले होंगे उन्होंने उस टाइम के वीडियोज़, और बहुत ही अमेजिंग काम किया उसके साथ ही, जो हमेशा की तरह वो करते हैं। एंड बहुत ही मज़ा आया, एकदम फाड़ डाला उन्होंने हमेशा की तरह, बहुत मज़ा आता है मुझे उनकी वीडियोस देखने में, उनका जो मतलब क्यूट सा मुझे मुंह बनाते हैं ना, मुझे बड़ा प्यारा सा लगता है कि वो एकदम से रीम वाला था ना जो अक्षय कुमार वाला, वो देखो कितने प्यारे प्यारे मुंह बनाते हैं, मेरे को बड़ा मज़ा आता है उनकी वीडियोस देखने, उनकी गालियों पे तो ध्यान ही जाता है, उनके फेस पे ध्यान देते हैं, बस ऐसे बैठे रहो देते रहो। सो वो बहुत मज़ा आता है मुझे उसमें। सो यार ये थी वीडियो, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उसके साथ में बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, एंड लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड आप सभी का धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए।